بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہمارا آج کا موضوع ہے رہنما شناسی. رہنما دو طرح سے لکھا جاتا ہے, رہنما شناسی یا راہنما شناسی. دونوں طرح سے صحیح ہے. ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ لفظ تھوڑا نیا معلوم ہو رہا ہو. البتہ یہ لفظ نیا نہیں ہے, نیو جنریشن کے لیے نیا ہے, لہذا ہم اس کا معنی پہلے بیان کر دیتے ہیں. راہنما نکلا ہے راہ سے, راہ نما. راہ یعنی راستہ, نما یعنی نشان دینے والا. اب اگر اس کا ان دونوں معنی کو ملائیں تو اس کا معنی بنے گا رہنما یعنی راستہ دکھانے والا. یعنی آج ہم یہ بحث کریں گے کہ راستہ دکھانے والا رہنما پروردگار عالم نے کیوں بھیجا ہے, وہ کون ہو سکتا ہے اور کسے ہونا چاہیے اور کون ہے. تقریباً یہ سارے سوالات ہم یہاں پر اس کے جوابات تلاش کریں گے. اصل سوال یہ ہے کہ رہنما کون ہو سکتا ہے اور کون ہے. اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے. اس سے پہلے ایک ضروری مقدمہ بیان کروں. اور وہ مقدمہ یہ, کل ہم نے پڑھا کہ, یعنی اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جہان شناسی کیا ہے, یعنی جہان شناسی کے بارے میں ہم نے پڑھا. ہمارا جہان شناسی کا لیکچر, جہان شناسی یعنی ورلڈ ویو, ہمارا آج کا لیکچر جہان شناسی سے بہت زیادہ مربوط ہے, بہت زیادہ ملا ہوا ہے. یعنی اگر کسی نے جہان شناسی نہیں پڑھا تو اسے رہنما شناسی سمجھ میں نہیں آئے گا. عام طور پہ جب ہم
इस मौजू के बारे में पढ़ते हैं तो मसलन हम अलग अलग बहसें करते हैं। क्या बहसें करते हैं? नबी कौन है, नबी को खुदा ने क्यों भेजा है, रसूल कौन है, रसूल को खुदा ने क्यों भेजा, इमाम कौन है, इमाम को खुदा ने क्यों भेजा, और इस जैसे सवाल। लेकिन आपने नाम सुना होगा, हमारे एक फलसफे गुजरे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, मुल्ला सदरा। नाम याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आखिरी उम्र तक। मुल्ला सदरा अलैहिर रहमान ने इन तीनों मौजूआत को एक मौजू में बयान कर दिया, यानी इन तीनों मौजूआत को एक मौजू में बयान कर दिया। और मौजू क्या है? रहनुमा शिनासी। मुल्ला सदरा के मसलक पर चलते हुए अल्लामा तबतबाई के, जो इससे पहले आपके सामने नाम ले चुका हूं, अल्लामा मोहम्मद सैयद मोहम्मद हुसैन तबतबाई, और उनके बाद दूसरे इस पूरे सिलसिले में बहुत ही टेक्निकली इन तीनों बहसों को एक बहस में बयान कर दिया। और वो बहस क्या है? रहनुमा शिनासी। किस तरह से बयान किया, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों के बारे में हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। यानी अगर आप बहुत ज्यादा गौर से तवज्जो से इस लेक्चर को मुलाहजा करें और सुने तो तीनों सवालों के जवाब हल हो जाएंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। लेकिन हमारा आज का लेक्चर जुड़ा हुआ है जहान शिनासी वर्ल्ड व्यू से, जो हमने इससे पहले आपके सामने बयान किया। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम इस मरहले तक आएंगे। जहान शिनासी, हमने पढ़ा कि जहान सिर्फ आलम मादा नहीं है, आलम मादा है जहान, मगर सिर्फ आलम मादा जहान नहीं है, एक और आलम है आलम मादा के बाद, उसे हम कहते हैं आलम मिसाल। यानी अगर किसी ने आलम मादा में सारी लज्जतें हासिल नहीं की और उसने हराम लज्जत से हाथ उठा लिया तो उसको वो लज्जतें मिल जाएंगी आलम मिसाल में, यानी बाद वाले आलम में। और अगर यहां पर भी उसे वो लज्जतें नहीं मिल पाई तो खुदा ने एक और आलम रखा है आलम आकल। जन्नत जहन्नम कयामत सब ये इस तरह के अवालिम जो हैं, ये सब आलम अकल से राबेता रखते हैं और आलम अकल का एक हिस्सा है। दोबारा अपनी बात को दोहरा दें, आलम मादा आलम मिसाल आलम अकल, अगर किसी ने इस आलम में अपनी लज्जतें पूरी नहीं की और उसने कुछ मुसीबतें उठा ली, हराम लज्जतों से हाथ उठा लिया, तो आलम मिसाल में उसका जुबरान हो जाएगा। आलम मिसाल में भी नहीं हुआ तो आलम अकल में उसका जुबरान हो जाएगा। ये था हमारा वर्ल्ड व्यू। इसके बाद एक और आलम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक और आलम है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बहस करें। इंसान, हमने तीन आलम पढ़े, इंसान एक आलम से दूसरे आलम में सैर कर सकता है, दूसरे आलम से तीसरे आलम में सैर कर सकता है इंसान। अब हम यहां लिखते हैं
सफर कह लें या सैर कर लें, सफर का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है, इंसान सफर कर सकता है। सफर की दो किस्में हैं, या मजबूरन सफर करेगा इंसान या इख्तियार से सफर करेगा। बास लोग अपने इख्तियार से इन तीनों आलमों में सफर करते हैं या सैर करते हैं। कैसे, उसका रास्ता भी आप हजरात को बताता हूं। बास लोग मजबूरन सफर करते हैं, मसलन जिन लोगों ने सिर्फ इस जहान को, इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को आलम मादा तक महदूद कर दिया, वो भी तीनों आलमों में सैर करेंगे, वो भी तीनों आलमों में सफर करेंगे, मगर मजबूरन। कब कब सफर करेंगे मजबूरन? जब उन्हें मौत आ जाएगी, जब उन्हें मौत आ जाएगी तो उन्हें आलम मादा से आलम मिसाल में लेकर जाएंगे और आलम मिसाल से आलम अक्ल में लेकर जाएंगे। लेकिन हां, मसला यह है, सफर तो उन्हें कराएंगे लेकिन क्योंकि उन्होंने सारी कोशिश कर ली इस आलम की लज्जतें हासिल करने के लिए और हराम लज्जतों से हाथ नहीं उठाया, लिहाजा इस आलम में उनका कोई हिस्सा नहीं है और इस आलम में भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। इस आलम में और इस आलम में सिर्फ उन्हीं लोगों का हिस्सा है कि जिन लोगों ने हराम लज्जतों से हाथ उठाया। बास लोग इख्तियार से सफर करते हैं, जो लोग इख्तियार से सफर करते हैं वो इसी दुनिया में रहकर इन तीनों आलमों की सैर कर सकते हैं और सफर कर सकते हैं। मुमकिन है कि यहां तक ना पहुंच पाए, मुमकिन है यहां तक पहुंच पाए, मुमकिन है कोशिश करें लेकिन इससे आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी उनका अजर महफूज है। बाज लोग हैं जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बावजूद इस आलम से आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश की उन्होंने लेकिन जैसी कोशिश करनी चाहिए थी ऐसी कोशिश नहीं की, कोशिश तो की। वह अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान बस कोशिश कर सकता है, कोशिश की, उनको उनकी कोशिश का सिला मिलेगा इस आलम में या इस आलम में, लेकिन मुमकिन है इस दुनिया में रहते हुए सैर ना कर सकें। मरने के बाद उन्हें भी, मरने के बाद इन आलमों की सैर कराई जाएगी क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी, लिहाजा इस आलम में और इस आलम में उनको उन्होंने जो गलत काम अंजाम दिए उन गलत कामों की सजा के बाद उनकी जजा इस आलम में और इस आलम में महफूज है। फर्क महसूस हो रहा है? वो दोबारा इस बात को बयान कर रहा हूं कि बहुत ही शायद बात सख्त हो गई। जिन लोगों ने जहान को इस आलम तक महदूद कर दिया और उन लोगों ने सारी लज्जतें इस आलम में उठाने की कोशिश की, उन्हें भी सफर कराया जाएगा मजबूरन, इस आलम में भी, इस आलम में भी, इस आलम में भी, लेकिन उनका इस आलम में, इस आलम में कोई हिस्सा नहीं है, उनको कोई जजा नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने इस आलम में हराम लज्जतों से हाथ नहीं उठाया। लेकिन वो लोग के जिन्होंने हराम लज्जतों से हाथ उठाया लेकिन जिस तरह से हराम लज्जतों से हाथ उठाना चाहिए था और हराम लज्जतों से रुकना चाहिए था उस तरह से नहीं रुके, लिहाजा वो इस दुनिया में रहते हुए इन दोनों आलमों की सैर नहीं कर सकते। मरने के बाद उनको भी सैर कराई जाएगी लेकिन इस आलम में या इस आलम में उनको सजा देने के बाद उन्होंने जो कोशिश की थी उसकी जजा मिल जाएगी। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो इसी दुनिया में रहते हुए इस आलम से इस आलम में आ जाते हैं और इस आलम से इस आलम में आ जाते हैं और उसके बाद एक और आलम में चले जाते हैं जिसका हम आज तज़किरा करेंगे। इसीलिए रिवायत में आया मूतू कबला अंतमूतू, इसका माना भी मैं आप हजरात को बयान करूंगा कि इस रिवायत का माना क्या है। सबसे पहले रास्ता बताऊं कि इंसान कैसे इस आलम से इस आलम में और इस आलम से इस आलम में सैर कर सकता है, कैसे सैर कर सकता है। उसका बस एक ही रास्ता है इस दुनिया में रहते हुए इस आलम से इस आलम में और इस आलम से इस आलम में, उसके बाद दूसरे आलम में सैर करने का एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? तज़किया नफ्स, यानी नफ्स को
पाक कर लेना। जो लोग अपने नफ्स को पाक कर लेते हैं वो इस आलम में और उसके बाद एक और आलम में चले जाते हैं। जो जितना पाक करता है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता जाता है। कैसे? जिन लोगों ने कोशिश की बहुत ज्यादा पाक नहीं कर सके वो सिर्फ आलम मादा तक महदूद रहेंगे, यानी आलम मादा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन लोगों ने अपने आप को मजीद पाक कर लिया है वो आलम मादा से आलम मिसाल में आ जाएंगे। जिन लोगों ने अपने आप को मजीद पाक कर लिया है वो आलम मिसाल से आलम अक्ल में आ जाएंगे, और जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को पाक कर लिया है वो आलम अक्ल से आलम अगले आलम में आ जाएंगे। इसका नाम अभी मैं नहीं लेना चाह रहा ताकि बात मजीद वाजे हो जाए। अब इस हदीस का माना कर रहा हूं, वो जो हदीस में आया है कि मूतु कबला अंत मूतु, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। क्या माना है इसका? क्या मैं खुदकुशी कर लूं इससे पहले कि मेरी मौत का होता है मैं खुदकुशी कर लूं? जी नहीं, माना ये नहीं है। माना ये है कि अपने आप को हराम ख्वाहिशात से रोक लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अपने आप को नाजायज ख्वाहिशात से रोक लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। यानी दर हकीकत जब इंसान अपने आप को नाजायज ख्वाहिशात से रोकता है, हराम लज्जतों से रोकता है, तो वो दर हकीकत अपने आप को मार रहा होता है, लेकिन वो खुदकुशी वाली मौत नहीं है। वो मार रहा होता है अपने आप को हराम लज्जतों से, लेकिन उस मौत, इसे कहते हैं मौत इख्तियारी, यानी इख्तियारी मौत, क्योंकि वो अपने आप को हराम लज्जतों से रोक कर मार रहा होता है, लिहाजा उसको एक नई जिंदगी मिलती है और एक नए आलम में सफर शुरू कर देता है। वो कौन सा आलम है? आलम मादा से आलम मिसाल, आलम मिसाल से आलम अक्ल। लेकिन अब यहां पर हम आते हैं, लेकिन एक और आलम है, वो आलम हम ऊपर लिखेंगे ताकि बात बहुत ज्यादा वाजे हो और समझ भी आ जाए। एक और आलम है, कौन सा आलम है? आलमे विलायत। आलमे विलायत, बाज लोग इस आलम से इस आलम में आते हैं, बाज लोग इस आलम से इस आलम में आते हैं, और बाज लोग इस आलम में भी चले जाते हैं। एक और बात बयान करूं, यहां पर शैतान हमें बहका सकता है। अगर कोई इस आलम तक पहुंच जाए तो शैतान हमें बहका सकता है, अगर कोई इस आलम से इस आलम तक आ जाए तो शैतान हमें बहका सकता है, लेकिन अगर कोई इस आलम तक आ गया तो शैतान उसे नहीं बहका सकता। शैतान, अगर कोई इस आलम तक पहुंच गया तो शैतान की दस्तरस इस आलम तक नहीं है, जिसका शैतान ने खुद इकरार किया। जब शैतान ने परवरदिगार आलम से मोहलत मांगी कि परवरदिगार मुझे मोहलत दे, और परवरदिगार आलम ने उसे मोहलत दी, तो शैतान ने कहा कि मैं तेरे हर बंदे को बहकाऊंगा सिवाय, क्या कहा शैतान ने? इल्ला सिवाय इबादल्लाहिल मुखलसीन, मुखलसीन नहीं मुखलसीन, परवरदिगार मैं तेरे हर बंदे को बहकाऊंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के नहीं, सिवाय तेरे मुखलस बंदों के। मुखलिस और मुखलस में फर्क है। मुखलिस और मुखलस, मुखलिस वो है कि जिसने अपने आप जो खुलूस के साथ परवरदिगार आलम के रास्ते को तय करे, जो खुलूस के साथ आलम मादा से आलम मिसाल में आए, जो खुलूस के साथ आलम मिसाल से आलम अक्ल में आए, और खुलूस के साथ आलम अक्ल से आलम विलायत में आए, लेकिन जब आलम विलायत में पहुंच गया तो वो सिर्फ मुखलिस नहीं है बल्कि मुखलस है, यानी परवरदिगार आलम ने उसे खालिस कर दिया। यही वो आलम है जो आलम मुखलसीन है। आलम विलायत आलम मुखलसीन है। मुखलसीन का आलम है, जो बंदा भी यहां तक पहुंच गया उस बंदे को परवरदिगार आलम ने
पाक कर दिया। अब शैतान की दस्तरस यहां तक नहीं है। अगर कोई इस आलम में है, शैतान उसे बहका सकता है। अगर कोई इस आलम में है, शैतान उसे बहका सकता है। कोई इस आलम में है तो शैतान उसे बहका सकता है, यानी कोई इस आलम से वापस आलम माध्यम में जा सकता है। कोई इस आलम में तो शैतान के बहकाने की वजह से वापस इस आलम में जा सकता है, लेकिन अगर कोई इस आलम तक आ गया तो वो पलट नहीं सकता। और अगर कोई इस आलम तक आ गया तो उसे कहेंगे वली खुदा। हमारे मुआशरे में तो हर बंदे को वली खुदा बना दिया जाता है, लेकिन नहीं, वली खुदा वो है कि जिसने कि जो इन तमाम अवालिम को उबूर करके क्रॉस करके आलम विलायत तक आ जाए, आलम मुखलसीन तक आ जाए, वही वली खुदा है। अब एक बात यहां पर और बयान करूं, फिर वापस अपने मौजू की तरफ पलट रहे हैं। अब बात चल रही है हमारी आलम विलायत पर। नबी का ताल्लुक आलम विलायत से है, रसूल का ताल्लुक आलम विलायत से है, वसीय रसूल का ताल्लुक आलम विलायत से है, इमाम का ताल्लुक आलम विलायत से है। हम भी, अब यहां पर घबरा जाने वाली बात करूंगा, हम भी चाहें तो मेहनत करके, मेहनत कैसे करेंगे क्या, और मेहनत से मुराद हमारे क्या है वो अभी हम उसकी वजाहत करेंगे। हम भी चाहें तो मेहनत के जरिए से, या बहुत ही सादा लफ्जों में परवरदिगार आलम की इबादत के जरिए से आलम मादा से आलम मिसाल में जा सकते हैं, आलम मिसाल से आलम अक्ल में जा सकते हैं, और आलम अक्ल से आलम विलायत में जा सकते हैं। अब जहनों में शुभ इजाद हो रहा है, आया अगर हम आलम विलायत तक पहुंच गए तो क्या हम नबी भी बन सकते हैं, क्या हम रसूल भी बन सकते हैं, क्या हम वसीय रसूल भी बन सकते हैं, क्या हम इमाम भी बन सकते हैं? जी नहीं। हम कुछ भी कर लें और आलम विलायत तक अगर पहुंच गए, ना नबी बन सकते हैं, ना रसूल बन सकते हैं, ना वसीय रसूल बन सकते हैं, ना इमाम बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हमने कर लिया, हम इमाम की मिसाल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर हमने कर लिया तो हम अपने जमाने के इमाम के हमराह बन सकते हैं, उनके हमराह हो सकते हैं, उनके साथ हो सकते हैं। आलमे विलायत आलमे हमराही वलीये जमान है। हमारे जमाने का वली कौन है? हजरत बकीयतुल्लाह अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ। हम आज के जमाने में मौजूद हैं, आज के जमाने में हम आलम मादा से आलम मिसाल तक गए, आलम मिसाल से आलम अक्ल तक गए, आलम अक्ल के बाद अगर आलम विलायत तक आ भी गए, इमाम नहीं बन सकते, इमाम के हमरा हो सकते हैं। और जिनके पास जो भी कमालात हैं, उनके पास सिर्फ इमाम की हमराही की वजह से कमालात हैं। चंद एक मिसालें दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। सबसे पहला नाम हमारे पास क्या आता है इसकी मिसाल में? हजरते अबुल फजलेल अब्बास अलैहिस्सलाम। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आलम विलायत तक पहुंच गए, यानी वली खुदा बन गए। और जो कमालात हजरत अबुल फजल अब्बास को मिले, करबला के शहीदों में किसी को नहीं मिले। ये हम कैसे कह रहे हैं? रिवायात बता रही हैं कि जो मकाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का है करबला के शहीदों में, वो मकाम किसी का नहीं है। आप मुझे बताइए क्यों हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जैसा, करबला के शहीदों की बात कर रहा हूं, करबला के शहीदों जैसा कोई शहीद नहीं है, क्यों हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम करबला के शहीदों में सबसे ज्यादा मुमताज है?
क्यों जो मकाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का है किसी और का नहीं है? सिर्फ एक जवाब है, हजरत अब्बास अपने वक्त के इमाम के हमराह थे। हमराही ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का सारा मकाम ये था, सारा कमाल ये था कि वो आलम मादा से आलम मिसाल तक आए, आलम मिसाल से आलम अक्ल तक आए, आलम अक्ल से आलम विलायत तक आए, आलम मुखलसीन तक आए, और फिर आलम मुखलसीन में इतना आगे बढ़ गए कि इमाम हुसैन के हमराह हो गए, यानी इमाम हुसैन के साथ हो गए। या करबला की खवातीन में जो मकाम हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा का है, वो किसी और का नहीं। क्यों नहीं है? जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह हैं, और इस हमराही में किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी कबीले से हो, कहीं से हो, अगर वो इमाम वक्त के हमराह पहुंच गया तो उसने सारे कमालात हासिल कर लिए। हजरत अब्बास का कमाल ये नहीं था कि हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा का कमाल ये नहीं था कि जनाब जैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन है। अगर मैं ये कहूं कि हजरत अब्बास का कमाल ये था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, तो हजरत अब्बास के और भी भाई थे, इमाम हुसैन की और भी बहन है, लेकिन जो मकाम हजरत अब्बास का है और जो मकाम जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा का है वो किसी और का नहीं है। क्यों? इसलिए कि हजरत अब्बास और जनाब जैनब आलम विलायत तक आए, वली खुदा बने, और उसके बाद वली खुदा बनने के बाद इतना आगे चले गए कि इमाम वक्त के साथ हो गए। इस बात से हमने एक और बात समझी। क्या बात समझी? कि आलम विलायत में मकामात एक दूसरे से मुतफावित हैं, आलम विलायत में मकामात एक दूसरे से मुमताज हैं। इस बात को मजीद वजाहत करता हूं। आलम विलायत में कोई वली है, कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई वसीय रसूल है, कोई इमाम है। ऐसा नहीं है कि जो भी आलम विलायत में है सबके मकाम एक जैसे हैं। मुमकिन है कोई नबी वली हो मगर नबी ना हो, कोई नबी हो रसूल ना हो, कोई रसूल हो तो उलुल अज़्म रसूल ना हो, कोई वसीय रसूल हो तो मसलन उसके पास कोई और ओहदा ना हो, कोई इमाम हो मसलन कोई आगे हो, यानी एक दूसरे से अलग हैं, कोई किसी से बढ़तर हो, कोई किसी से मा तहत हो। लेकिन ये बात तय है हर नबी, अब इस बात को आधार करें, इस बात की थोड़ी वजाहत कर रहा हूं, हर नबी वली होगा लेकिन हर वली का नबी होना जरूरी नहीं है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वली हैं, वली खुदा हैं, मगर नबी नहीं है। मुमकिन है कोई रसूल हो तो हतमन वली भी होगा, वली खुदा, लेकिन जरूरी नहीं है जो वली खुदा हो वो हतमन रसूल भी हो। जो इमाम होगा हतमन वो वली खुदा भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो वली खुदा हो हतमन वो इमाम भी हो। बस ये बात हमारे लिए वाजे हो गई। अब सवाल यह है, कुछ बातें हमने जूनियर क्लास के लिए की थी उसमें आप लोग रुजू कर सकते हैं मजीद वजाहत के लिए। सवाल यह है कि हम सफर कैसे करेंगे, कैसे करें हम सफर? सवाल यह है कि हम सफर कैसे करें। सवाल यह है कि यह सफर करें कैसे, अब इसका जवाब ढूंढते हैं।
हमने तीन अवालिम बताए, आलम मादा, आलम मिसाल, आलम अक्ल और आलम चार अवालिम, आलम विलायत। हमने दरहकीकत तरतीब ऐसे रखी थी, आलम मादा, मिसाल, अक्ल और विलायत। दरहकीकत तरतीब ऐसे नहीं है, आलम ऐसे नहीं है, आलम ऐसे है, आलम मादा, आलम मिसाल, आलम अक्ल और आलम विलायत। यानी आलम मादा से ऊपर आलम मिसाल है, आलम मिसाल से ऊपर आलम अक्ल है, आलम अक्ल से ऊपर आलम विलायत है, और इंसान की आखिरी पहुंच आलम विलायत तक है। यानी दरहकीकत हमें ऊपर की जानिब सफर करना है, हमें सफर करना है और ऊपर की जानिब सफर करना है। अब यह के सफर कैसे करेंगे, हमें ऊपर की जानिब सफर करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। इसको हम मिटा दें, जमीन से राबिता कम हो और एक कुव्वते मुहर्रिका होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को जमीन से बांधूं तो ऊपर की जानिब सफर नहीं कर सकता। मसलन छोटी सी मिसाल दें, बच्चों के हाथ में आपने देखा है गैस का गुब्बारा, गैस के गुब्बारे में गैस क्या काम करती है, वो गुब्बारे को ऊपर की जानिब लेकर जाती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने लाशोर में क्या करते हैं, गैस के गुब्बारे को किसी वजनी चीज से बांध देते हैं। अब गैस का गुब्बारा ऊपर जाना चाह रहा है मगर एक वजनी चीज ने उसको रोक दिया, हो क्या रहा है, ऊपर की जानिब सफर यह गुब्बारा नहीं कर पा रहा। क्यों, इसका राबिता जमीन पर मौजूद एक वजनी चीज से है। बस पहली चीज हमें क्या चाहिए कि कोई चीज हो कि जिससे हमारा जमीन से राबिता खत्म हो जाए। दूसरे नंबर पर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो हमें ऊपर की जानिब लेकर जाए। गैस ही के गुब्बारे की मिसाल लेते हैं, जब गैस का गुब्बारा अपने आप को वजन से काट देगा तो गैस खुद ब खुद उसे ऊपर की जानिब लेकर जाएगी। पर सफर के लिए, ऊपर की जानिब सफर के लिए दो चीजें दरकार होती हैं, जमीन से राबिता नहीं होना चाहिए, कुव्वते मुहर्रिका होनी चाहिए। जमीन से राबिता नहीं होनी चाहिए से मुराद क्या है, अगर हम सफर करना चाहते हैं आलम मादा से आलम मिसाल, आलम मिसाल से आलम अक्ल, आलम अक्ल से आलम विलायत, जमीन से राबिता कम होना चाहिए। यानी क्या मतलब, दुनिया से राबिता कम होना चाहिए। दुनिया से राबिता कम होना चाहिए यानी क्या मतलब, मैं खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, दोस्तों में जाना छोड़ दूं, हंसना छोड़ दूं, जी नहीं, दुनिया से राबिता कम हो जाने से मुराद यह है कि सारी जरूरियातें जिंदगी अंजाम दूं मगर मेरा दिल दुनिया से ना लगे और मैं हराम लज्जतों के पीछे ना जाऊं। हर वो चीज जो खुदावंद आलम ने जिस दुनिया जो दुनिया इस्तेमाल करने से खुदा ने मुझे रोका है उससे मैं रुक जाऊं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैंने दरहकीकत दुनिया से राबिता तोड़ दिया। लेकिन क्या ये काफी है, इसके लिए एक आयत पढ़ूं, वलो शेना लरफअना हु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्ज व तबा हवा। हम चाहते, परवरदिगार आलम गिला कर रहे इंसान से, हम चाहते तो इस इंसान को ऊपर की जानिब ले जाते मगर क्या करें, ये जमीन से चिपक के रह गया। और फिर खुदा ने खुद बयान किया कि जमीन से चिपक जाने से क्या मुराद है, वह तबा हवा, और उसने अपनी हवा और हवस की पैरवी की। यानी जो दुनिया हमने इस्तेमाल करने से रोका था, जो हराम राबिता इस्तेमाल करने से रोका था, इंसान ने वो राबिता इस्तेमाल किया, हम तो उसे ऊपर की जानिब लेकर जा रहे थे, वो जमीन से चिपक के रह गया। बस पहले मरहले पर हमें जमीन से राबिता कम करना होगा, लेकिन क्या हमारे लिए काफी है, जी नहीं, दूसरे मरहले पर हमें कोई कुव्वते मुहर्रिका दरकार है कि जो हमें ऊपर की जानिब लेकर जाए। वो कुव्वते मुहर्रिका क्या है,
वो कुव्वत मुहर्रे का है इलाही रहनुमा। इलाही रहनुमा हमें दूसरे अवालिम की सैर कराएगा, किस चीज के जरिए से, वो बताएगा कि इबादत क्या है। हम अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकते, वो बताएगा कि तहजीब नफ्स क्या है, वो बताएगा तस्किया नफ्स क्या है, वो बताएगा सफाए नफ्स क्या है। एक ही चीज के बहुत सारे नाम हैं। इबादत, हकीकी इबादत, सिर्फ नमाज रोजा इबादत नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में इबादत। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इबादत है, इबादत समझकर जाएं। आप सो रहे हैं, इबादत है, आप जाग रहे हैं, इबादत है, खाना खा रहे हैं, इबादत। जब इबादत इंसान की जिंदगी पर पूरी हाकिम हो जाती है, तब जाकर इंसान खुदा का बंदा बनता है। और खुदा का बंदा कैसे बनना चाहिए, इलाही रहनुमा बताएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इलाही रहनुमा की क्या जरूरत थी, हम तो खुद भी जा सकते थे, तो जवाब है जी नहीं, आप ये सारा सफर खुद नहीं कर सकते थे, बल्कि कोई हो जो आपको लेकर जाए। या दूसरे लफ्जों में, आपको ये सफर वही कराएगा कि जिसने खुद सफर किया हो। इस बात की मजीद वजाहत करता हूं। आपको ये सफर वही कराएगा कि जिसने खुद सफर किया हो, जो खुद आलम मादा से आलम मिसाल तक आया हो, आलम मिसाल से आलम अक्ल तक आया हो, आलम अक्ल से आलम विलायत तक खुद जा चुका हो, तब जाकर वो हमारा हाथ थाम कर आलम विलायत तक लेकर जाएगा। एक शख्स जो खुद आलम विलायत तक नहीं पहुंचा, वो हमें कैसे आगे तक लेकर जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपने घर से एक खास जगह पर जाना है और मुझे रास्ता नहीं मालूम, मुझे रास्ते का इल्म नहीं है, तो कौन, मैं किसका सहारा लूंगा कि मुझे ले चलो फुला जगह पर, मुझे रास्ता नहीं मालूम। मिसाल के तौर पे मेरे लिए लाहौर नई जगह है, मुझे नहीं मालूम लाहौर में रास्ते कैसे हैं, तो मैं उसका सहारा लूंगा जो लाहौर के रास्ते जानता होगा, जो लाहौर में घूम चुका हो, जिसे लाहौर के रास्ते पता हो। मैं एक बिल्कुल अननोन पर्सन से अपने लिए मदद तलब नहीं करूंगा कि मुझे लाहौर घुमा दो, वो शख्स जो लाहौर के रास्ते जानता हो। इलाही रहनुमा भी का काम भी यही है, चूंकि वो आलम विलायत तक पहले पहुंच चुका है, लिहाजा हमारे हाथ पकड़कर आलम विलायत तक लेकर जाता है। इस बात की मजीद वजाहत करूं, दो सफर हैं। एक सफर वो है जो हमने खुदा की तरफ किया है, वो कौन सा सफर है, पहले एक बात की मजीद वजाहत करूं कि खुदा की जानिब जो सफर है वो ऐसा नहीं है। या बड़े बच्चे हैं आप लोग समझ जाएंगे, शायद जूनियर क्लास नहीं समझ पाती तो उनके लिए बात हमने नहीं की। खुदा की जानिब सफर ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा की जानिब सफर ऐसा है, इस्लामी फलसफी बताते हैं कि जिन्होंने इस्लामी तालीमात पढ़ी हैं, कि खुदा की जानिब सफर सीधा नहीं है, बल्कि कर्व है थोड़ा सा। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, दरअसल कहना चाह रहे हैं खुदा की तरफ दो सफर हैं। एक आलम मादा से आलम विलायत तक का सफर है, और एक आलम विलायत से आलम मादा तक का सफर है। ये दो सफर हैं। कहना ये चाह रहे हैं ये सफर एक जैसे नहीं है, कि जिस तरह से पहले हम यहां लिखते हैं ताकि बात वाज़े हो जाए, आलम मादा, आलम मिसाल, आलम अक्ल, आलम विलायत। आलम विलायत, आलम अक्ल, आलम मिसाल, आलम मादा। एक सफर वो है जो हम कर रहे हैं, आलम मादा से आलम मिसाल में आ रहे हैं, आलम मिसाल से आलम अक्ल में जा रहे हैं, आलम अक्ल से आलम विलायत में जा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते से हम आलम मादा से आलम विलायत में गए हैं, उसी रास्ते से कुछ लोग आलम विलायत से आलम मादा तक आए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, खास लोग हैं परवरदिगार के, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इन सारे अवालिम को क्रॉस करके आलम विलायत तक पहुंच चुके हैं। कौन लोग हैं वो लोग जो आलम विलायत तक पहुंच चुके हैं, नबी, रसूल, इमाम, ये आलम विलायत तक पहुंच गए। लेकिन खुदावंद आलम का खास लुत्फ था कि खुदा ने वो बंदे कि जो आलम विलायत तक पहुंच चुके थे, उनके लिए, उन बंदों को हमारे हिदायत के लिए आलम विलायत से दोबारा आलम मादा में भेजा। ये बात वाज़े है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुदा के आलम विलायत में पहुंच चुके हैं,
कि जिन्हें नीचे आने की जरूरत नहीं थी वो पहुंच चुके थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने हमारी हिदायत के लिए उन्हें उस मकाम से इस मकाम तक भेजा। वो आलम विलायत ही के साथ आलम अक्ल में आए। ये बात थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन समझिएगा, ये ऐसा नहीं कि आलम विलायत से जब आलम अक्ल में आए हमारे खातिर नीचे की तरफ आए हमें उठाने के लिए, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं आएंगे हमें उठाने के लिए हम ऊपर कैसे जाएंगे। वो ऊपर से नीचे आए हमें उठाने के लिए ताकि हमें ऊपर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये आलम विलायत से आलम अक्ल में आए तो आलम विलायत को छोड़कर आए। नहीं, जब आलम अक्ल से आलम मिसाल तक आए तो आलम अक्ल और आलम विलायत को छोड़कर आए। नहीं, जब आलम मिसाल से आलम मादा में आए हमारी खातिर तो आलम विलायत और आलम अक्ल और आलम मिसाल को छोड़कर आए। नहीं, जब वो इस माध्यम में आए हैं तो आलम विलायत को साथ लेकर आए हैं, आलम अक्ल को साथ लेकर आए हैं अपने साथ और आलम मिसाल को साथ लेकर आए हैं, यानी दरहकीकत हैं हमारे दरमियान मगर वली खुदा हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हैं तो हमारे साथ ही, जैसा कि आपने सुना होगा कि इमाम हम जैसे हैं, नबी हम जैसे हैं, इस तरह की बातें सुनी होंगी। हम जवाब देंगे वो हैं तो हमारे साथ ही, नबी रसूल इमाम हैं तो हमारे साथ ही आलम माध्यम है, जैसे हम आलम माध्यम है वो भी आलम माध्यम है, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम सोते हैं वो भी सोते हैं, लेकिन हम में उनमें बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है? हम आलम माध्यम में रहते हुए मादी हैं, वो आलम माध्यम में रहते हुए वलिय खुदा हैं। वो उस आलम से इस आलम तक आए हैं, उस मकाम को लेकर आए हैं, उस मकाम को छोड़कर नहीं आए। अब समझ में आया, वलिय खुदा अगरचे हमारे दरमियान होता है मगर हम जैसा नहीं होता। अब अगला सवाल करता हूं, बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल, और शायद हमारा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत सारी बातें हमने की थी जूनियर क्लास में, आप सीनियर क्लास जूनियर क्लास की तरफ रुजू कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या, सवाल लिख दूं? ये सवाल बहुत ज्यादा आपको दरपेश होता है जब आप दूसरे मसाले के लोगों से मिलते हैं। क्या खुदा खुद हमारी हिदायत के लिए, या दूसरे लफ्जों में खुदा हमारी खुद हिदायत नहीं कर सकता था? क्या खुदा हमारी खुद हिदायत नहीं कर सकता था? नाउज़ु बिल्लाह। जवाब उसका यह है, जिसका हम जवाब लिख देते हैं फिर वजाहत करते हैं और उसी पर हम अपनी बात तमाम कर देंगे। जवाब यह है, खुदा हमारी हिदायत कर सकता था, हम बिला वासिता खुदा से हिदायत नहीं ले सकते थे। सवाल समझ में आया? क्या जरूरत थी खुदा ने नबी को भेजा? क्या जरूरत थी खुदा ने रसूलों को भेजा? क्या जरूरत थी खुदा ने इमामों को भेजा? क्या खुदा खुद नहीं आ सकता था हमारी हिदायत के लिए? बिला वजह नबियों को जहमत दी खुदा ने, बिला वजह रसूलों को जहमत दी खुदा ने, बिला वजह इमामों को जहमत दी खुदा ने, वो आलम छोड़कर इस आलम तक आए हमारी हिदायत के लिए? जवाब यह है, खुदा हमारे खुद हिदायत कर सकता था लेकिन हम बिला वासिता खुदा से हिदायत ले नहीं सकते थे। ये क्या बात हुई? बात बहुत आसान है, इस बात को एक मिसाल के जरिए से वाजे करें। आप अपने घर के छोटे छोटे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी हाउस में जाकर चला सकते हैं, जला सकते हैं। आप लीजिए मसलन, मिसाल दूं, जंगलों में हैवी वोल्ट के तार जा रहे होते हैं, आप अपने घर का छोटा सा वोल्ट निकालें, बल्ब निकालें 50 वोल्ट का और जाकर उन तारों में लगा दें, क्या ये बल्ब उन तारों में जाकर लगेगा, जलेगा? जवाब दीजिए, जी नहीं। ना ये कि जलेगा नहीं बल्कि बल्ब फट जाएगा। क्यों? अब मैं आपसे पूछूं, क्या तारों में जलाने की सलाहियत नहीं है? क्या तार बल्ब को जला नहीं सकते? आप कहेंगे जी नहीं, मसला ये नहीं है कि तार बल्ब को जला नहीं सकते। तारों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बर्क है, कुव्वत है,
कि वो बल्ब को जला सकते हैं। बल्ब में इतनी ताकत नहीं है कि उन तारों से जाकर जब इत्तेसाल हासिल करें तो जल जाएं। फिर क्या करेंगे? क्या बल्ब को जलाएंगे? नहीं। क्या जलाएंगे? कैसे जलाएंगे? क्या एक वसीला बनाएंगे। वो वसीला क्या करेगा? हम कुछ ट्रांसफॉर्मर्स लगाएंगे। इन ट्रांसफॉर्मर्स का काम यह होगा कि वहां से हैवी इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे, अपने अंदर जज्ब करेंगे और रोकेंगे, और उसके बाद इस बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, और उसके बाद फिर जिस चीज में, जिस आलात बर्फ में, जिन चीजों में जितनी सलाहियत होगी, वो इन ट्रांसफॉर्मर से बिजली को लेकर अपने अंदर नूर को रोशन करेंगे। मिसाल से बात वादे हुई, हम हमारी परवरदिगार आलम बिला वासिता हिदायत कर सकता था, लेकिन उस आलम तक हमारी रसाई नहीं थी। हम मादी लोग थे, हम खुदा से बिला वासिता हिदायत ले नहीं सकते थे, लेकिन खुदा हमारी हिदायत करना चाहता था। खुदा ने हमारी हिदायत करने के लिए क्या किया? खुदा उन आलम ने कुछ ट्रांसफॉर्मर्स बनाए हमारे और अपने दरमियान। उन ट्रांसफॉर्मर्स को हम कहते हैं नबी, रसूल और इमाम। ये खुदा से तालीमात को लेते हैं, अपने अंदर जज्ब करते हैं, और फिर जिस इंसान में जितनी सलाहियत होती है उसे देते जाते हैं। यहीं पर आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि क्यों जनाबे सलमान फारसी या जनाबे सलमान मोहम्मदी में, जो कहा गया कि जनाबे सलमान फारसी को सलमान फारसी ना कहो बल्कि सलमान मोहम्मदी कहो, क्यों जनाबे सलमान फारसी में, यानी जनाबे सलमान मोहम्मदी में, जनाबे अबूजर में और जनाबे मिकदाद में फर्क है? क्योंकि जनाबे सलमान में सलाहियत ज्यादा थी, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन से हिदायत ज्यादा ली। जनाबे अबूजर ने में जनाबे सलमान फारसी के मुकाबले में सलाहियत कम थी, उन्होंने हिदायत कम ली। जनाबे मिकदाद ने इनसे कम ली, तो लिहाजा इनका मर्तबा ज्यादा था, क्योंकि ये इमाम के ज्यादा करीब थे। जब इन्होंने इमाम से ज्यादा तालीमात ली तो इमाम के ज्यादा करीब हुए, फिर इन्होंने इमाम से तालीमात ली तो इनका मर्तबा जनाबे सलमान फारसी के बाद बना, और जनाबे मिकदाद का मर्तबा जनाबे अबूजर गफारी के बाद बना। अब हम अपनी सारी बातों को यहां पर जमा करते हैं और नतीजा देते हैं कि अगर इंसान परवरदिगार आलम तक पहुंचना चाहता है, कि इंसान की आखिरी हद आलम विलायत है, अगर इंसान आलम मादा से आलम विलायत तक का सफर करना चाहता है, सबसे पहले इंसान को दुनियावी ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात छोड़ना होंगे। उसके बाद फिर इंसान को किसी एक रहनुमा की जरूरत पड़ेगी, यानी इंसान अपना राबिता जमीन से कम करे। जब इंसान का राबिता जमीन से कम हो जाएगा या जमीन से खत्म हो जाएगा, या दुनिया से, हराम दुनिया से, मैं जायज दुनिया की बात नहीं कर रहा, जो हराम दुनिया से इंसान का राबिता खत्म हो जाएगा, तब जाकर खुदा उन आलम के नुमाइंदे इंसान के हाथ पकड़ेंगे, और इंसान का हाथ पकड़ के इंसान को आलम मादा से आलम मिसाल में लेकर जाएंगे, आलम मिसाल से आलम अक्ल में लेकर जाएंगे, और आलम अक्ल से आलम विलायत में लेकर जाएंगे। परवरदिगार आलम हम सबको ये तौफीक दे कि हम हुज्जत इलाही यानी इमाम वक्त के हमरा रहते हुए आलम विलायत तक का सफर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। اللهم صل على محمد وآل محمد.